हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अली। आज हम बात करेंगे डोर्मल सेक्शन स्लाइडिंग विंडो के बारे में। स्लाइडिंग विंडो इस टाइम पर बहुत ज्यादा यूज होने वाली एक विंडो है, जो आपको यूपीवीसी में आप चाहे लगाइए या अल्मोनियम में, नॉर्मल अल्मोनियम या डोर्मल सेक्शन में। इसकी वजह यह है, इससे फायदा ये है आपको, एक तो आपकी जो बिल्डिंग का लुक है उस लुक में खूबसूरती आएंगी, दूसरी आपको इससे डिस्टर्बेंस के चांसेस कम हो जाते हैं। जैसा आप लकड़ी की विंडो लगाएंगे, अगर आप उसमें अंदर से ग्रिल लगाए तो उसके डोर बाहर खुलेंगे, उससे आपका लुक खराब होता, या आप डोर अंदर खुले ग्रिल बाहर करें तो अंदर आपको जगह कम होने के चांसेस हो जाते। तो इस वजह से डोर्मल या स्लाइडिंग विंडो, जो भी स्लाइडिंग विंडो है, वो बहुत ज्यादा यूज होने वाली है, इस टाइम पे चल रही है। और इसमें आपको मेंटेनेंस बहुत कम है, और इसमें लुक आपको जैसे कि व्हाइट कोटिंग है, इसमें ग्रे कोटिंग, आपके हिसाब से जो भी आपका वॉल है, वॉल का कलर है, वो हिसाब से आप इसको कोटिंग करा ले सकते हैं। अब इसमें आपको, अगर डोर्मल में आप स्लाइडिंग विंडो बनाना चाह रहे हैं, तो तीन चीजों के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, चाहे आप डोर्मल के कारीगर हो या आप कस्टमर हो। पहली चीज इसकी ये है कि कौन सी ब्रांड आप यूज कर रहे हैं, दूसरा आपको गेज के बारे में नॉलेज होना चाहिए, और तीसरा कौन से ट्रैक, आप कितने ट्रैक की विंडो बनाना चाह रहे हैं उसके बारे में आपको पूरी नॉलेज होना चाहिए। तो अब इस वीडियो में हम आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। डोर्मल सेक्शन में आपको बहुत सारे ब्रांड होते हैं, जो मशहूर ब्रांड है, एक मान कंपनी है, जिंदाल है, इक्विवेलेंट, ये आपको ब्रांड है। और सिमी ब्रांड में आपको एंगल का आता, और सुपर फाइन आता, और जैसे इक्विवेलेंट का ये आता, और नॉन ब्रांड में बहुत सारे हर जगह के हिसाब से आपको ब्रांड्स मिल जाएंगे। ये रही ब्रांड की बात। दूसरी चीज आपको जो है, तो इसकी गेज आपको सबसे ज्यादा मायने रखने वाली चीज है। गेज इसलिए, जैसा कि आप यूपीवीसी विंडो बना रहे हैं, उसको एक हीट की मशीन आती है, उसमें डाल के उसको गर्म करके उसकी जो जॉइंट है उसको जॉइंट मिलाते हैं। वैसे अगर आप वुड में बना रहे तो उसमें फेविकॉल का इस्तेमाल या कीलों के मार के, कीलों की मदद से जॉइंट मिलाते हैं। उसी तरह अगर आप डोर्मल सेक्शन में बना रहे हैं या अल्मोनियम में बना रहे हो, तो स्क्रू का काम रहता है आपको। ये स्क्रू देगा, ये स्क्रू है इसमें फिट होने के लिए। इसकी वजह से आपको जो है गेज हेवी लेना चाहिए। हेवी गेज लेने से आपको जो है ये स्क्रू, जैसा आपकी विंडो आप बात करें खोल रहे, स्लाइडिंग कर रहे या कुछ उसको काम कर रहे, जैसा कभी जोर से बंद कर रहे, तो इसकी मजबूती अच्छी रहने के लिए आपको जो है गेज का इस्तेमाल करना जरूरी है। अगर आप 18 गेज इस्तेमाल करें तो 1.2 रहता, 1.2 जो mm रहता वो 18 गेज। अगर आप 1.3 mm यूज कर रहे तो 17 गेज। वही आप अगर 1.5 mm यूज कर रहे तो आपको वो 16 गेज रहता। अगर आप 2 mm यूज कर रहे तो 14 गेज आपको ये हो जाएगा। तो ये गेज आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्क्रू जाके उसमें ड्रिल, अब जैसा कि ग्लास आपका फूट गया के ब्रोक हो गया, तो इसको खोल के फिर जॉइंट करने में गेज थिकनेस पतला रहा तो आपको वो ये सेक्शन खराब होकर फिर सेक्शन चेंज करने की जरूरत पड़ती है। तो गेज आप जो है तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छा यूज करें। अब आते हैं हम तीसरी बात पे। तीसरी बात ये है इसके ट्रैक, कौन से ट्रैक आप यूज करना चाह रहे हैं। ये देखिए, ये इसके ट्रैक, ये ट्रैक है, एक ट्रैक, दो ट्रैक, तीन ट्रैक, तीन ट्रैक आप, थ्री ट्रैक अगर यूज कर रहे हैं तो आपको जो है दो ग्लास के शट रहेंगे और एक जो है मॉस्किटो मेश का शट रहेगा इसमें। और एक आता जो टू ट्रैक रहता है, जिसमें आपको दोनों सेट ग्लास आएंगे, मॉस्किटो मेश नहीं आएंगे। अगर आप चाह रहे, आपकी विंडो बहुत बड़ी है, जैसा बालकोनी कवर करना चाह रहे हैं, तो उसमें आपको चार ट्रैक का भी एक सेक्शन आएगा, मैं आने वाले टाइम पर उसकी वीडियो बनाऊंगा। उसमें आपको तीन में ग्लास और एक में मॉस्किटो मेश आएंगी। अब इसकी सीरीज आपको बताते हैं, ये 27 mm की सीरीज है, इसमें आपको 35 mm भी आती है, उससे ज्यादा 65 mm की भी सीरीज आती है, वो अलग चीज है, मैं बाद में इसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा। अब बात करते हैं इसके कंसील लॉक की। ये 6 इंच का कंसील लॉक है, इसमें आपको नॉर्मल एल्यूमिनियम में 4 इंच का कंसील लॉक भी आता। इसमें बहुत सारे ब्रांड आते, हम जो यूज करते हैं आपको ईगल बॉस का रहता, ये हो गया कंसील लॉक। और दूसरी चीज आती है आपको मेश, तीन किस्म की मेश आती है आपको। एक आती एल्युमिनियम की मेश, नॉर्मल एल्युमिनियम की, एक आती है SS की मेश, और एक आती है नेलॉन की मेश। जो भी आप डलाना चाह रहे आपके हिसाब से आप मेश डला सकते हो। और तीसरी बात है इसके बेरिंग कौन सा यूज कर रहे हैं आप, आपके हिसाब से। हम TPA का इसमें बेरिंग यूज करें, आप अपने हिसाब से जो भी बेरिंग यूज करना है वो यूज कर सकते हो। विंडो में ग्लास आपके ऊपर है, कौन सा डलाना चाह रहे हैं आप। आपको एक क्लियर ग्लास आता, एक रिफ्लेक्टिव ग्लास आता, और एक जो है टिंटेड ग्लास आता, और एक फिगर ग्लास आता। चार अलग टाइप के ग्लास आते। क्लियर ग्लास में आपको दोनों सेट का दिखता, टिंटेड में भी उसी तरह का आता। ग्लास में कलर आता तो ब्लैक आता, ब्लू आता, या ग्रे, जो भी आप डलाना चाह रहे कलर डला सकते। दोनों साइड से आपको बाहर से अंदर का, अंदर से बाहर का दोनों भी दिखता। एक आता आपको रिफ्लेक्टिव आपको ऐसा रहता, एक सेट मिरर की कोटिंग रहती, दूसरे सेट क्लियर। अगर आप बाहर के सेट से रहे तो
तो आपको अंदर का नहीं दिखता, अंदर से बाहर के सेट का पूरा दिखता। वही आप लाइट अगर खोल दिए रात में तो दो वो भी ऑपोजिट हो जाता, क्लियर के टाइप हो जाता। और एक आता फिगर ग्लास, ये फिगर ग्लास है, इसमें आपको डिजाइन आते हैं, दोनों सेट से भी ब्लर आता, आपको बाहर से अंदर का भी नजर नहीं आता, अंदर से भी बांध कर। ये और आपको रिफ्लेक्टिव रूम को ठंडा करने में थोड़ी मदद करता, धूप की किरणों को रोक के आपको अंदर के साथ कूलिंग देते ये ग्लास, क्लियर उसमें तो डायरेक्ट जाने के चांसेस रहते। ये डोमल के आपको हम सारी चीज़ों के बारे में जानकारी दे दी। अगर आपके पास कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। इसकी प्राइस आपको 360 रुपये से लेकर 700 रुपये स्क्वायर फीट तक, हर एक चीज़ की अलग अलग प्राइस है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होंगी, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू।